मचा ले, चड्डी चुरा ले। तो गाइज़ आप देख सकते हो अभी हम अपनी खतरनाक सी धूम बाइक पर आ चुके हैं एक बहुत ही जरूरी काम करने। आप देख सकते हो हमने एक पुलिस वाले की कैप पहन रखी है और सब लोगों का बचपन में सपना होता है एक पुलिस वाला बनने का, तो आज वो सपना हम पूरा करने वाले हैं। क्योंकि गाइज़ अब मुझे पुलिस की कैप तो मिल चुकी है पर अब मैं पुलिस की पूरी ड्रेस लेने वाला हूँ। उसके लिए इन अंकल के पास हमें जाना पड़ता है। हेलो हेलो ऑफिसर, मुझे एक पुलिस वाला बनना है, मुझे एक पुलिस की यूनिफॉर्म दे दो। अरे बच्चे, पुलिस की यूनिफॉर्म ऐसे नहीं मिलती, तुम्हें कुछ खतरनाक खतरनाक काम करने पड़ेंगे। एक पुलिस वाला बनने के लिए तुम्हें क्राइम सॉल्व करने पड़ेंगे। अरे मैं सारे क्राइम सॉल्व करूंगा, मुझे पुलिस के कपड़े दो। बच्चे अभी तुम्हारे पास कैप है ना, पहले जाकर एक क्राइम सॉल्व करके आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पुलिस की शर्ट दूंगा। क्या पुलिस की शर्ट? और बच्चे जितने ज्यादा क्राइम सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा पुलिस की गाड़ियां भी तुम्हें मिलेगी। क्या पुलिस की गाड़ियां? मैं तो सिर्फ पुलिस की शर्ट के लिए आया था। बच्चे तुम्हें मिल सकती है बुगाटी, मर्सिडीज, जी वैगन और लैम्बोर्गिनी, पर उसके लिए तुम्हें खतरनाक खतरनाक चैलेंजेस करने पड़ेंगे, पर उसके लिए तुम्हें खतरनाक खतरनाक पुलिस वालों के काम करने पड़ेंगे। अरे हाँ मैं सबका सब करूंगा। तो बताओ सबसे पहली गाड़ी मुझे कौन सी देने वाले हो, बुगाटी, मर्सिडीज AMG या फिर ये खतरनाक जी वैगन या फिर लैम्बोर्गिनी? अरे बच्चे वो सब नहीं, पीछे देखो ये तुम्हारी पहली गाड़ी होने वाली है तुम्हारे पहले क्राइम सॉल्व करने के लिए। क्या इस गाड़ी की हालत तो बहुत ही खराब है। बच्चे अगर तुम्हें पुलिस वाला बनना है और पुलिस की यूनिफॉर्म चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है ऑफिसर जी, आप टेंशन मत लो, मैं लॉस सैंटोस में सारे क्राइम्स को ठीक कर दूंगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ अपनी शर्ट लेने। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हमें एक खतरनाक सी पुलिस की व्हीकल मिल चुकी है, इसमें हमें एक क्राइम सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक पुलिस की शर्ट मिल सकती है, फिर उसके बाद पैंट मिलेगी, उसके बाद शूज मिलेंगे और उसके बाद पुलिस का बैच मिलेगा और हम बन जाएंगे खतरनाक से पुलिस ऑफिसर। पर अभी हमारे पास सिर्फ पुलिस की कैप है, तो चलो फटाफट से चलते हैं एक क्राइम सॉल्व करते हैं और जितने ज्यादा क्राइम सॉल्व होंगे उतनी खतरनाक खतरनाक गाड़ियां भी मिलने वाली है, तो हम पुलिस वाले भी बन जाएंगे और हमें खतरनाक सी पुलिस की गाड़ियां भी मिलने वाली है। चलो फटाफट से चलते हैं। और अब बड़े लोग देखना, आज हम इस पूरे घर को लूट लेंगे। हाँ बॉस, इस घर में तो बहुत माल लग रहा है, सारा लूट लेते हैं। मेरे होते हुए घर में चोरी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी सी गलत एंडिंग हो गई, पर इनमें से मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी ऐसे की तैसे ये लो चोरी करते हो यहाँ पे, और मारो उसको मारो। अरे तो मुझे मन लगे, भागो 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 भागो। अरे कहाँ भाग रहा है, रुक जा। मैं भाग नहीं रहा, मैं रन अप ले रहा था। तुम्हारी ये लो, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मैं अपने साथ RPG लेके आया था, इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाले, तुम्हारी तो ये लो। तो गाइस सर जल्दी जल्दी सारे चोरों को मार देते हैं जो कि इस घर में चोरी करने वाले थे। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम है फ्रैंकलिन सिंघम पुलिस वाला, ये लो सबको खत्म कर देंगे। अरे मेरे ऊपर आग लगी, मुझे बचाओ, जल्दी से पानी में कूद जाते हैं। बच गया बच गया बच गया। अरे मारो इसको मारो। अरे ऐसे कैसे मारो, तुम्हारी तो ऐसे की तैसे ये लो, तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम इस घर में चोरी नहीं कर सकते। अब सिर्फ वो आखिरी जना बचा है, इसको मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ। तेरी तो ऐसे की तैसी ये ले चाकू खा, अगली बार अगर चोरी करोगे ना तो इतना मारूंगा कि मर जाओगे। वैसे अभी मर चुका है। तो कैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने चोरी होने से सबको रोक लिया है, इस घर को बचा लिया। वो अलग बात है, थोड़ी सी आग वाग लग चुकी है पर कोई बात नहीं, हमने चोरी होने से तो रोक लिया और मेरी गाड़ी भी जल चुकी है। चलो चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। पुलिस वालों का तो काम ये होता है बिना डरे कहीं पर भी कूद जाना और सब खत्म कर देना। अरे यहाँ पर तो फ्री की गाड़ी मिल गई, चलो इसको फटाफट से लेकर चलते हैं और हमारी अपनी अगली पुलिस की शर्ट और गाड़ी ले लेते हैं और यहाँ पर जो आग लगी थी उसको ही बुझा देते हैं। वैसे ये फायर ब्रिगेड वालों का काम भी बहुत ही बढ़िया होता है, तो गाइस अगर आप चाहते हो अगली वीडियो में एक फायर ब्रिगेड वाला बने तो फटाफट से कमेंट करके बताना, क्योंकि आज हम पुलिस वाला तो बन के रहेंगे पर फायर ब्रिगेड कैसे बनते हैं वो आपको अगले एपिसोड में पता चल सकता है अगर आप कमेंट करोगे तो। सर 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 देखो मैं आ गया, मैंने अपना सबसे पहला क्राइम होने से रोक लिया। हाँ फ्रैंकलिन, मुझे पता चला तुमने घर में चोरी होने से रोकी पर तुमने घर को भी बहुत ही ज्यादा बर्बाद कर दिया।
फ्रैंकलिन अगली बार से ध्यान रखना। अरे सर आपको घर की पड़ी है, आप मेरी हालत नहीं देख सकते, मेरी क्या हालत हो चुकी है उन चोर को पकड़ने के लिए। हाँ फ्रैंकलिन मैं देख सकता हूँ तुमने बहुत ही मेहनत करी, इसलिए तुम्हें मिलती है पुलिस की पैंट। और कैसर हम आप देख सकते हो मुझे अभी पुलिस की पैंट और टाई मिल चुकी है। फ्रैंकलिन तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है, तुम्हें बहुत गोलियां पड़ी है, रुको मैं तुम्हें अभी साफ कर देता हूँ। फ्रैंकलिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा गोलियां लगी है, रुको अभी साफ कर देता हूँ, ये लो। वाह मैं तो पूरा का पूरा साफ हो गया। अब सर बताओ मुझे कौन सी गाड़ी मिलने वाली है, बुगाटी या फिर लैम्बोर्गिनी या फिर ये जी-वैगन, ये मैं ले लेता हूँ। अरे रुको रुको फ्रैंकलिन तुम्हें मिलेगी ये मर्सिडीज एएमजी, आज से ये तुम्हारी नई पुलिस कार। अब जाओ लॉस सैंटोस को एक और बार बचाओ, फिर अपनी अगली गाड़ी और शर्ट लेकर जाओ। ओके सर, तो कैसर फटाफट से चलते अपनी अपनी सेकंड गाड़ी, हमें यहाँ पर मिल चुकी है ये खतरनाक सी मर्सिडीज। हमने बहुत बड़ा क्राइम लॉस सैंटोस में होने से रोक लिया, इसलिए हमें ये खतरनाक सी मर्सिडीज मिल चुकी है और साथ में मुझे पुलिस वालों की पैंट भी मिल चुकी है। अब बस पैंट मिल चुकी है, फिर जूते मिलेंगे, उसके बाद शर्ट, और फिर हम बन जाएंगे खतरनाक से पुलिस वाले, और वो सारी की सारी गाड़ियां भी तो हमें चाहिए। तो चलो यार बिना किसी देरी के चलते अपने अगले क्राइम को रोकते हैं। और गाइस सर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप भी बड़े हो कि पुलिस वाला बनना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट कर दो आई वॉन्ट टू बिकम पुलिस ऑफिसर, या आप और कुछ बनना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और हम चलते अपने अगले क्राइम को ढूंढते हैं, हमें पूरे लॉस सैंटोस को बचाना होगा। तो कैसर अभी अभी मुझे पता चला है कि लॉस सैंटोस के बैंक में खतरनाक सी चोरी चल रही है, और वो सारे के सारे चोर हेलीकॉप्टर से उतरे थे, तो इसलिए फ्रैंकलिन द पुलिस वाला आ चुका है उन सारे चोरों को पकड़ने के लिए। तो चलो फटाफट से अंदर घुसते हैं, और ये देख सकते हो ये नंगे चोरों ने यहाँ पर अटैक किया है, इनकी पूरी की पूरी गैंग है, पर अभी मैं इसको मारने नहीं वाला, मुझे पहले पता करना पड़ेगा ये टोटल कितने बंदे। फटाफट से घुस जाते हैं अपन इधर अंदर, इनमें से किसी ने भी मुझे देखा नहीं। अभी हम यहाँ से ऊपर जाने वाले इस बैंक के ऊपर वाले रास्ते पे, ये सारे रास्ते मुझे याद है क्योंकि यार पहले मैं भी तो चोरियां करता था, इसलिए सारे रास्ते मुझे याद है। एक सेकंड, यहाँ पर तो ये खड़े, आप देख सकते हो नीचे ये नंगे कितने सारे, वहां पर 2 3 4 5 6 7 8 8 इधर है, 9 10 10 इधर खड़े हैं, और भी मुझे 2 3 दिखाई दे रहे हैं। लगता है मुझे इनको मारना ही पड़ेगा, एक ही हेडशॉट में दोनों को मारेंगे, और कैसर एक ही शॉट में दोनों को भी हमने मार दिया है। चुपचाप यहाँ पर चलेंगे धीरे धीरे, और इसको भी मारते हैं, इसको भी फटाफट से मार देते हैं, और इसको भी। तो कैसर यहाँ पर अभी मैंने सबको मार दिया है, मैं भी साइलेंसर वाली गन यूज कर रहा हूँ तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। अब हम चुपचाप से यहाँ पर चलेंगे, कोई हमें देख नहीं सकता, लेट्स गो फटाफट से भाग भाग के चलते हैं। और अभी हम आ चुके मेन बैंक के ऑफिस में, और यहाँ से हम डायरेक्ट नीचे जाने वाले हैं, इनको पता भी नहीं चलेगा हम यहाँ पर कब घुस गए, हमको इनको एक ही बारी मारना पड़ेगा। 1 2 फटाफट से अभी इसको भी मार दिया, और अपन अंदर घुस जाते हैं, और यहाँ पर ही खड़ा है, इसको भी फटाफट से मारते हैं, और इसको भी। तो कैसर इन सभी को यहाँ पर मैंने मार दिया, अब यहाँ पर अपने स्मोक बॉम्ब का यूज करने वाले, फटाफट से बॉम्ब लेते हैं और यहाँ पर स्मोक्स फेंक देते हैं। इनमें से हमें इनके बॉस को पकड़ना पड़ेगा, और वो इनका बॉस लग रहा है, तो बाकी सारे जनों को मार दिया जाए। निकल यहाँ से, तू भी निकल, ए लड़के चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर लो, मुझे बताया तुम इनके बॉस हो, और बड़ो मुझे छोड़ दो, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है, इसलिए मैं तुझे छोड़ने वाला, अब चुपचाप मेरे पीछे आता रहे, अगर कुछ भी होशियारी करी तो सीधा गोली मार दूंगा, चुपचाप चलता रहे। तो कैसर फटाफट से अभी हम जाने वाले इसके बाकी के सारे साथियों को भी मार देते हैं, तुम्हारी ऐसे के तैसे ये लो, इन सभी को हम मार देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बॉस को मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये लो सबको मार दिया, ए चुपचाप आ जाए, मारना मत मारना मत, हाँ चुपचाप आता ने, वरना सीधा सर के ऊपर टकले में गोली पड़ेगी। तो कैसर इसको फटाफट से यहाँ पर लेके जाते हैं, चल बैठ जा चुपचाप, और अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं तुझे ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर तुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अरे क्या गोवा के बीच पर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत मजा आता है। एक क्रिमिनल को मैं गोवा के बीच पर कभी नहीं लेके जाऊंगा, पर मैं तुझे तेल में लेटा के मारूंगा जरूर। और ऐसा मत करो बड़ो, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा। अरे मैंने एक बार
छोड़ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पुलिस वाला बनना है, एक अच्छा पुलिस वाला। इसको फटाफट से लेकर चलते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस पुलिस वाले के पास, इस क्रिमिनल को लेके। ऑफिसर ये देखो मैं किसको ले आया। अरे ये क्या फ्रैंकलिन, ये तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जग्गा डाकू है। हाँ ये जग्गा डाकू है, चुपचाप इधर आ जाओ। अरे बड़ो मुझे छोड़ दे, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। तेरी तो ऐसे की तैसी, मुझे तुम किधर है, चुपचाप लेट जा। अरे सॉरी सॉरी बड़ो। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुम पुलिस वाले बनने के बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हो ताकि तुम एक पुलिस वाला बन सको। हाँ सर मैं बहुत ही अच्छे काम करने जा रहा हूँ। फ्रैंकलिन अब तुम्हें मिलने वाली है पुलिस की शर्ट। और काइजर आप फाइनली देख सकते हो मुझे यहाँ पर पुलिस की शर्ट भी मिल चुकी है। इसका मतलब मैं बन चुका हूँ एक पुलिस वाला। नहीं नहीं फ्रैंकलिन, अभी तुम एक पुलिस वाले नहीं बने। क्या, अरे शर्ट तो मिल गई। शर्ट तो तुम्हें मिल गई पर तुम्हें पुलिस वालों के वेपन्स, वॉकी टॉकी और पुलिस सिस्टम का एक्सेस अभी तक नहीं मिला। और यहाँ बात तो सही है, ये वॉकी टॉकी जो तुम्हारे पास है मुझे भी चाहिए। फ्रैंकलिन तुम्हें सब मिलेंगे पर तुम्हें एक खतरनाक से मिशन पर जाना पड़ेगा। अरे मैं तैयार हूँ, जो बताओ मैं सबका सब कर लूंगा। हाँ तो फ्रैंकलिन मैंने अपने सीनियर से बात करी, वो तुम्हें पुलिस वाला बनाने के लिए तैयार है, पर उससे पहले तुम्हें बॉर्डर पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। वो देखना चाहते हैं क्या तुम बॉर्डर पर ड्यूटी कर सकते हो। अरे बॉर्डर पर तो सोल्जर होते हैं, पुलिस वाले तो ना। अरे लड़के मैं उस बॉर्डर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर गाड़ियाँ क्रॉस होती है और चेकिंग करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे। हाँ हाँ अगर वो करके मैं पुलिस वाला बन सकता हूँ तो मैं कुछ भी करूंगा। तो जाओ बच्चे, वो जी वैगन हुई तुम्हारी, और जाके उस बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दो। ओके सर। तो काइजर अभी आप देख सकते हो एएमजी मर्सिडीज एएमजी से हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं इस खतरनाक सी जी वैगन में। क्या आपने कभी देखी पुलिस वालों की जी वैगन? मैंने तो कभी नहीं देखी। पर काइजर अभी हमारी अगली ड्यूटी का टाइम आ चुका है, हमें जाना है बॉर्डर पर ड्यूटी देने। तो चलो फटाफट से चलते हैं बॉर्डर पर। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट से जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बॉर्डर पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक खतरनाक काम होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा गुड लक फ्रैंकलिन, ताकि आपके गुड लक की मदद से हम जल्दी जल्दी एक खतरनाक से पुलिस वाले बन जाए। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस खतरनाक से बॉर्डर पर। यहाँ पर हमें काम करना है व्हीकल्स को चेक करने का और जो लोग इस कंट्री में अलाउड नहीं है उनको बाहर भगाने का। अभी ये अंकल यहाँ पर आ चुके हैं ग्रीन कलर की गाड़ी लेके, हमें टॉर्च से देखना पड़ेगा क्या इनकी गाड़ी में कुछ गलत सामान तो नहीं है, यानी ड्रग्स या फिर कुछ गलत, तो हमें ये पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा। तो इनकी गाड़ी पूरी की पूरी चेक कर लेते हैं और ये अंकल यहाँ पर आ चुके हैं। इनकी गाड़ी के अंदर भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंकल आपका सबका सब सही है, फटाफट से अपने पेपर्स दिखाओ। तो कहे सर हमें यहाँ पर पहले इनका नाम मैच करना पड़ेगा और ये नाम तो मैच नहीं कर रहा, और इनका नंबर देखते क्या मैच कर रहा है, पासपोर्ट नंबर तो मैच कर रहा है। अब देखते क्या इनकी डेट मैच करने वाली है, यहाँ पर देख लेते हैं मैच। ओके इसका नाम मैच नहीं कर रहा, बाकी सारी चीजें मैच कर रही है, पर हम इसको हमारे देश के अंदर नहीं घुसने दे सकते क्योंकि इसका नाम यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। तो फटाफट से इसको बाहर भगा दिया हमने, चलो चलो निकलो ऐसे, हमारे देश में कभी मत आना। तो काइजर यही हमारी ड्यूटी है, हमें यहाँ पर गंदे गुंडे लोगों को यहाँ पर आने नहीं देना है। चलो फटाफट से अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे रोज के रोज स्मगलर्स की लिस्ट आती है, यहाँ पर स्मगलर की डिटेल्स है और यहाँ पर लिखा हुआ ड्राइवर एज है 42। तो हमें एक ऐसे जने की तलाश है जिसकी एज हो 42 और वो एक स्मगलर है, और यहाँ पर गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है 1DPE, इसको भी हमें पकड़ना है। तो चलो फटाफट से अभी हमने ये सब चीजें देख ली, अब फटाफट से अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं और अगली गाड़ी को यहाँ पर अंदर आने देते हैं, हमें इन दोनों चोरों को पकड़ना पड़ेगा। आ जाओ फटाफट से, देखते हैं इनकी गाड़ी में क्या कुछ हमें गलत मिलने वाला है। फटाफट से इनके पीछे का ट्रंक खोलेंगे, इधर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इनके फटाफट से डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। अभी बता था तुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स देखेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं, रुक जाओ इसकी गाड़ी में मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा है। ये क्या, यहाँ पर तो कुछ स्नेक जैसा निशान आ रहा है, मतलब इसकी गाड़ी पक्का कुछ गलत है। रुक जाओ मुझे मेरा चाकू लाने दो, अभी देखते हैं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे ए मेरी बात सुन, मेरी सीट मत फाड़। रुक जाओ इसको फटाफट से फाड़ते हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो खतरनाक ड्रग्स निकले, ये अंकल तो अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, इसकी पूरी गाड़ी में हमें तलाशी करनी पड़ेगी। और ड्रग्स तो नहीं है, हमें थोड़े तो मिल चुके हैं, तो ये बचने तो नहीं वाला। ये क्या,
इंजन के अंदर भी ड्रग्स रख रखे इसने तो काइजर टायर भी चेक कर लीजिए, क्या पता टायर के अंदर भी रख रखे हो। पीछे वाली सीट तो हमने ऑलरेडी देख ली है, तो इसके और कहीं पे तो नहीं है, जितने थे हमने सारे के सारे देख लिए। चाचा आप तो बिल्कुल नहीं बचने वाले, इसको फटाफट से अरेस्ट कर लेते हैं। तो कैसर अभी हम इसको अरेस्ट करने वाले हैं और डालेंगे इसको डायरेक्ट जेल में। तो कैसर आप देख सकते हो सबसे पहला प्रिजनर हमें अपने जेल में डाल दिया है, पहले ही दिन पर पहला प्रिजनर यहाँ पर आ चुका है। तो कैसर इसकी नंबर प्लेट यार उस बोर्ड पर भी लिखी थी, हमने उसको ही पकड़ा है। तो फटाफट से एक कोकेन को डाल देते अपने स्टोरेज में और चलते वापस से ड्यूटी करने। तो फटाफट से अभी अगली व्हीकल हमने यहाँ पर बुला दी, खतरनाक नाक्सी बस। ये कौन से कंट्री के बाहर क्या करने गई थी, हमें इसको ढंग से चेक करना पड़ेगा। एज हमको चाहिए 42। सबसे पहले इसकी एज ही देख लेते हैं, पहले इसकी गाड़ी चेक करते हैं, फिर इसके पेपर्स देखेंगे क्या कुछ हमें गलत दिखाई दे रहा है। हमारी जो ब्लू टॉर्च है ना वो सब का सब बता देती है, इसकी पूरे डिक्की में तो कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी खाली है। तो ये कंट्री से बाहर करने के गया था जब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो यहां पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहां इस टायर में भी नहीं है। चलो फटाफट से इसके पेपर देख लेते हैं, क्या इसके पेपर में कुछ गलत मिलने वाला है। नाम इसका मैच कर रहा है, पासपोर्ट नंबर मिसमैच, ओके। और इसका वैलिड नंबर भी देख लेते हैं, ये भी मिसमैच, ये तो बहुत ही गलत बंदा है। पर इसकी एज 27 है, तो इसको हमको अरेस्ट नहीं करना, बस इसको कंट्री के अंदर हम घुसने देंगे। ए अंकल जल्दी से यहां से निकल जाओ, आप यहां पर नहीं आ सकते, डिनाइड का ठप्पा यहां पर लग चुका है और इसको हमने यहां पर भगा दिया है। चलो अपने अगले व्हीकल को यहां पर बुला लेते हैं। और गाइस हमारे पास अलग अलग वेपन्स भी आ चुके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं क्या कोई खतरनाक चोर तो नहीं हमारे घुस रहा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। इसके टायर चेक कर लेते हैं क्योंकि ये टायरों में भी सामान छुपा छुपा कर जाते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं, इधर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका तो सब का सब क्लियर है। पर देखते हैं क्या इसकी एज 42 है। अंकल फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। तो इसका मेरे नाम मैच करेंगे, बिल्कुल मैच कर रहा है, पासपोर्ट नंबर मैच कर रहा है और इसका वैलिड नंबर भी चेक कर लेते हैं, ये भी मैच कर रहा है और इसकी एज भी अब चेक कर लेते हैं 40। अगर ये 42 होता तो अभी इसको पकड़ के मारता, पर इसका सबका सब ठीक है, तो हम इसको जाने देने वाले हमारी कंट्री के अंदर। आप जा सकते हो लॉस सेंटोस, बाय बाय। तो फटाफट से अपनी अगली व्हीकल को बुला लेते हैं। 42 एज वाला यार अभी तक नहीं मिला, 40 वाला मिल गया पर 42 नहीं। चलो फटाफट से देखते हैं क्या इसके टायर में हमें कुछ मिलने वाला है। इधर कुछ नहीं है, बोनट में है या कुछ, यहां पर भी कुछ नहीं है। ये सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा शरीफ है, देखते हैं यहां पर है क्या। ये अंकल अभी बाहर आ चुके हैं, फटाफट से इनके पेपर्स इनसे ले लेते हैं, देखते हैं क्या इनका एज क्या है। पहले तो देखेंगे 42, ये क्या, मैंने डायरेक्ट एज चेक करी और इधर भी 42 है ना, हाँ इधर भी 42 है, मुझे लगता है ये वही अंकल है। उससे पहले इसके बाकी के पेपर्स भी देख लेते हैं, इसका नाम यहाँ पर मैच कर रहा है, पासपोर्ट नंबर भी चेक कर लिया जाए, ये भी मैच कर रहा है, पर इसकी एज 42 है, इसलिए हम इसको पकड़ लेंगे। चलो यू आर अरेस्टेड। तो कैसर हमने अपने दूसरे क्रिमिनल को भी पकड़ लिया है और करेक्ट अरेस्ट भी है, मतलब हमने सही क्रिमिनल को पकड़ा है। तो कैसर इसी के साथ आज की हमारी ड्यूटी होती है खत्म और हम जाने वाले हैं वापस से लॉस सेंटोस, क्योंकि हम अब बन चुके हैं खतरनाक से पुलिस वाले। तो कैसर अभी वो ड्यूटी करके हम लोग आ चुके हैं वापस से और इस बार हमें सारी की सारी पुलिस वालों की चीजें मिलने वाली है। चलो फटाफट से चलते, एक सेकंड यहाँ पर क्या चल रहा है, रुक जाओ, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर जल्दी से देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। चुपचाप से चलते हैं, धीरे धीरे। अरे बड़ो मुझे जल्दी बता दे, तेरा वो ऑफिसर कहाँ पर है जिसने मेरे पैर पर गोली मारी। अरे मुझे नहीं पता, वो ड्यूटी करने गया है, आता ही होगा। अरे बड़ो अगर वो नहीं आया तो तू चला जाएगा, मेरा सारे के सारे लोग मिलके तुझे इतना मारेंगे कि तू याद रखेगा। अरे कैसर ये क्या, जिस गुंडे को मैं पकड़ कर लेके आया था बैंक से, उसने तो अपने और भी गुंडे बुला लिए। मैंने उसको पैर पर क्यों मारा, उसके सर के ऊपर गोली मारनी चाहिए थी। पर आप टेंशन मत लो, मैं उन सर को बचा के रहूंगा, उनकी वजह से आज मैं पुलिस वाला बनने वाला हूँ, तो हम उनको बचा के रहेंगे। फटाफट से अपनी स्नाइपर यहाँ पर निकाल लेते हैं और इन सारे के सारे गुंडों को मारने वाले हैं। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, एक गोली में देखते हैं कितने मरने वाले हैं। 1 2 3 1 2 3, ये लो सबको मार दूंगा, तुम्हारी ऐसे की तैसी, आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। फटाफट से सारे के सारे गुंडों को अपन यहाँ पर मार देते हैं
और ये क्या हो रहा है, मेरे सारे लोग कैसे मर रहे हैं? ये तू भी ले। तो कैसर अभी मैंने उसको उसके हाथ पर मार दिए है और अब वापस से पैर पर मारते हैं। और ये क्या हो रहा है, कौन मार रहा है मुझे, कौन मार रहा है? जिसको तो ढूंढ रहा था वो यहाँ पर आ चुका है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और ये क्या कर रहा है, मेरे पैरों पर क्यों गोली मारता जा रहा है? इसके पैर लगता है लोहे के बने, बार बार मैं मार रहा हूँ फिर भी नहीं मर रहा, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये ले ये ले ये ले ये ले, इसको एक ही बारी में खत्म करना पड़ेगा। बाय बाय टकले। सर आप बिल्कुल सेफ हो, मैंने सबको खत्म कर दिया। अरे फ्रैंकलिन तुमने मुझे बचा लिया। फ्रैंकलिन अरे सर कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं फ्रैंकलिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अगर तुम एक ऑफिसर को बचाने के लिए ये सब कर सकते हो तो तुम पूरे लॉस सैंटोस के लिए कुछ भी करोगे। हाँ सर मैं कुछ भी करूंगा। तो फ्रैंकलिन वरुण द गेमर मेरी बात सुनो, आज से अभी से तुम बनते हो लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर। और काइजर फाइनली आप देख सकते हो हम लॉस सैंटोस के पुलिस, और काइजर फाइनली आप देख सकते हो हम बन चुके हैं पुलिस वाले। और पुलिस वाला नहीं, मैं तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन चुका हूँ। सारी की सारी चीजें मुझे मिल चुकी, मेरा वॉकी टॉकी और पुलिस का लाइसेंस भी। अब मैं कौन सी गाड़ी लूँ? सर ये सारी की सारी गाड़ियाँ आपकी है। क्या मैं सर? अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहा सर अभी ये लैम्बोर्गिनी और ये खतरनाक सी बुगाटी भी हमारी हो चुकी है, और पहले वो जी वैगन भी हमारी थी और मर्सिडीज एएमजी भी, और साथ में ये बाइक भी हमारी हो चुकी है। अरे सर वो बाइक तो मेरी है। अरे कोई बात नहीं तुम ये लैम्बोर्गिनी ले लो, पर मुझे ये बाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो कहा सर आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे पास ये छोटी सी स्कूटी थी, पर अब हमारे पास ये खतरनाक सी हायाबुसा वाली पुलिस बाइक आ चुकी है। ये सही में बहुत ही खतरनाक है और इस पे धूम मचाले करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो कैसर फटाफट से कमेंट करके बताओ, आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी हमारी पुलिस वाली व्हीकल्स में से, और अब हम पुलिस वाले बन चुके तो हम कौन कौन से क्राइम रोके लॉस सैंटोस में, फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो कैसर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर देना, बताने से वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और कैसर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वहां पे जाके ज्वाइन फॉलो करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।